परम सत्कार योग साध संगत जी एक बार गज के आख लिए धन श्री सतगुरु राम सिंह जी। साध संगत जी अज की साखी का विशा है अग्नि भी आग्ञा विच है। जदों सतगुरु राम सिंह जी फौज विच सन तो अपने चारों पासे लकड़ियां दे चार चार ढेर लगवा ले, पंजवां ढेर चारों ढेरां दे विचकार लगवाया। सारे ढेर नेड़े नेड़े सन। सच्चे पातशाह जी ने वचन किया जेड़ा गऊ गरीब की रक्षा करेगा वह बचेगा, बाकी कोई नहीं बच सकता। फिर सच्चे पातशाह जी विचकार वाले ढेर विच विराजमान होए ते पंजा ढेरां नू अग लगवा दित्ती। अग दियां लाटां बड़ियां तेज हो गईयां। सच्चे पातशाह जी हुण नज़र नहीं आ रहे सन, अग ही अग नज़र आ रही सी। कईयां ने समझिया अग विच जल के भसम हो गए हन। सब एक दूसरे वल वेखण इह की कौतक है, इस तरह दे किसे ने नहीं किता, ना कोई कर सकता है। जदों ही अग कुछ घट गई तो सच्चे पातशाह जी का शरीर थोड़ा थोड़ा दिसना शुरू हो गया। फिर जिदा जिदा अग घटती गई तो सच्चे पातशाह जी के स्वरूप का चंगी तरह दर्शन होना शुरू हो गया। अग विचों बाहर निकले तो बचन किता, तुसी भी ब्रह्म ज्ञानी बने बैठे हो, इस तरह ब्रह्म ज्ञानी बनी दा है। फिर बचन किया ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता। धन श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी। सत श्री अकाल।